अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 श्रृंखला में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों में दो दो हाथ करेगी और उसके लिए भारतीय खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहां एक प्रैक्टिस सेशन में वेंकटेश अय्यर, रविंद्र जडेजा और कप्तान रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस सेशन में गजब की तूफानी बल्लेबाजी की है। किस तरीके से रविंद्र जडेजा ने छक्कों की बरसात की वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा में से बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा करते हुए जब से भारतीय टीम की बागडोर संभाली है तब से एक बार भी टीम इंडिया को केवल जीत दिलाई है। उनकी कप्तानी में जो भी खिलाड़ी भारतीय टीम में आ रहा है वो धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ T20 श्रृंखला में विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया गया था। बावजूद इसके नए लड़कों ने जिस तरीके का खेल पूरी श्रृंखला में दिखाया है उसके बाद से भारतीय टीम का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। वहीं T20 श्रृंखला के बाद रोहित की सेना मोहाली पहुंचने वाली है, जहां श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन में रविंद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर और कप्तान रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिला। जी हां दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में बल्लेबाजी करने के लिए पहले कप्तान रोहित शर्मा आए। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद उन्होंने जैसे चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। गेंदबाजी करने के लिए आए रविचंद्रन अश्विन की तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर वहां पर खड़े सभी खिलाड़ियों को हैरान कर दिया, क्योंकि उसमें से एक गेंद स्टेडियम के पार चली गई। छक्के को देखकर रविचंद्रन अश्विन भी रोहित शर्मा को हैरानी भरी नजर से देखने लगे और छक्का लगाने के बाद भारतीय कप्तान अश्विन को देखकर हंस रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर और उन्होंने आते ही एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया। उस शॉट को देखकर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी तालियां बजाने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वो शॉट लगाया था। इसके बाद गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के एक और मैच में उन्होंने दो छक्के लगाकर ये दिखा दिया कि विश्व का कोई भी गेंदबाज हो वो उनको छोड़ने वाले नहीं है। उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह उनको यॉर्कर डालकर आउट करना चाहा, लेकिन उस गेंद को भी वेंकटेश अय्यर ने एबी डिविलियर्स की तरह मिस्टर 360 बनकर विकेट के पीछे से चौके के लिए भेज दिया। उनके इस शॉट को देखते हुए रोहित शर्मा भी उनको शाबाशी देने के लिए आ गए। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी रविंद्र जडेजा की। बता दें कि रविंद्र जडेजा आते ही पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इसके बाद सभी को लगा कि अब वो संभल कर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन सभी को सोच गलत निकली। जडेजा ने अगली दो गेंदों पर भी लगातार दो चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। जो भी गेंदबाज आता उनका काम उसे बाउंड्री लाउन पर पहुंचाने का होता, और देखते ही देखते उन्होंने महज 15 गेंदों में ही ताबड़तोड़ अंदाज में 50 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। दोस्तों प्रैक्टिस सेशन में जिस तरीके से इन तीनों ही भारतीय खिलाड़ियों का तूफान देखने को मिला है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पहला मुकाबले में रोहित जडेजा और वेंकटेश अय्यर जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पहले मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।